हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैम ब्यूटी। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको घर के ही चीज़ों से अपने चेहरे को निखारिए दो मिनट में। इस पैक को बनाने के लिए एक क्लीन बाउल में दो चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए, आपके घर में अवेलेबल होगा। इस चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्राम फ्लोर मतलब बेसन। दो चम्मच बेसन की क्वांटिटी ले लीजिए, जैसी मेरी गेहूं के आटे की क्वांटिटी है वैसे ही ठीक बेसन की भी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए। ग्राम फ्लोर हमारे चेहरों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्लीन करता है डार्क सर्कल्स। नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी शहद। शहद हमारे चेहरों के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइटन ब्राइटन हमारे स्किन को, डार्क सर्कल्स रिमूव करता है। चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उसे भी आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप दूध खौला कर ठंडा करके भी इसमें डाल सकते हैं। ये फेस पैक आप 15 दिन लगाइए टोटल, बहुत ही अच्छा है। को शादी पार्टी में जाना हो, कहीं इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप इस पैक को घर पर बनाइए और दो मिनट में लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। आपके चेहरे पर इतनी अच्छी चमक आ जाएगी, आप इतना अच्छे मतलब लोग पूछेंगे आपसे कि आपने क्या लगाया, ऐसा ग्लो आएगा। गेहूं का आटा और बेसन मिलाकर चेहरे को लगाने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। देखिए, ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करना है। अप्लाई ऑन योर हैंड एंड फेस। मैं अपने हैंड पे दिखा रही हूँ, पहले मैं अपने ट्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट है, मैंने इसे यूज़ भी किया है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। आप लोग घर में टाइम निकालिए, अपने चेहरे को निखारिए। दस मिनट तक इसे मसाज करिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दस मिनट तक इसे सूखने दीजिए। नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। इसे आप 10 से 15 दिन लगाइए, बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा। हाथों में देखिए डिफरेंट कितना है। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक